गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ निकिता पुरवाल। एंड आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं अपोजिट वर्ड के बारे में। आपने सुना है अपोजिट वर्ड्स क्या होते हैं? आपने हिंदी में पढ़ा होगा ना, आप बोलते हो कि हम विलोम शब्द पढ़ते हैं, है ना? यानी क्या, जिस चीज़ की हम बात करें उसका जस्ट उल्टा क्या होता है? अपोजिट होता है। अपोजिट यही होता है ना, किसी भी चीज़ का उल्टा जो होता है वो क्या कहलाता है? अपोजिट कहलाता है। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे हमको यहाँ दिया हुआ है ना बॉय, तो बॉय यानी लड़का होता है, तो लड़के का अपोजिट क्या बोल सकते हैं? हम लड़की बोल सकते हैं, है ना? तो इसी तरह से बॉय का अपोजिट क्या हो जाता है? गर्ल हो जाता है। अब अपोजिट वर्ड्स को और कैसे बोल सकते हैं हम? अपोजिट वर्ड जो होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? एंटोनियम्स भी कहते हैं। एंटोनियम्स का मतलब भी वही होता है जो अपोजिट का मतलब होता है। अपोजिट यानी भी क्या होता है? उल्टा। और एंटोनियम यानी भी क्या होता है? उल्टा। यानी जब हम किसी चीज़ की बात कर रहे हैं उसके उल्टा जब बोलते हैं तो वो क्या होता है? एंटोनियम होता है। कैसे कैसे? जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे हॉट, हॉट यानी किसी चीज़ का गर्म होना, है ना? हॉट का जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा? कोल्ड, यानी किसी चीज़ का ठंडा होना। तो ये क्या हो जाएगा? इस तरह से एंटोनियम हो जाएगा। हॉट यानी क्या होता है? गर्म, और कोल्ड यानी ठंडा। तो एक तरह से ये क्या हो जाएंगे, हम कह सकते हैं हॉट का अपोजिट वर्ड क्या है? कोल्ड है। या हॉट का एंटोनियम्स क्या है? कोल्ड है। इसी तरह से जैसे ड्राई दे रखा है, तो ड्राई यानी सूखा, है ना? सूखे का अपोजिट क्या हो जाएगा? गीला, यानी वेट। तो इस तरह से ड्राई का अपोजिट क्या हो जाएगा? वेट। यहाँ ड्राई का एंटोनियम क्या हो जाएगा? वेट। इसी तरह से दे रखा है हमको यहाँ पर हेल्थी, हेल्थी यानी बिल्कुल स्वस्थ होना, है ना? जब आप कहते हो ना कि आपको हेल्थी रहना चाहिए, यानी क्या है, आपको कोई भी बीमारी नहीं हो, वो तो क्या कहलाएगा? हेल्थी। हेल्थी क्या हो जाएगा हमारा? हेल्थी का अपोजिट क्या हो जाएगा? अनहेल्थी, यानी बीमार होना। तो हेल्थी का अपोजिट क्या हो जाता है? अनहेल्थी। या हेल्थी का एंटोनियम क्या हो जाता है? अनहेल्थी हो जाता है। ऐसे हमको और एग्जाम्पल दिए, जैसे यहाँ पर दिख रहा है आपको यंग, है ना? ओल्ड यानी कोई इंसान बूढ़ा होता है, तो बूढ़े का उल्टा क्या हो जाएगा? कोई इंसान क्या होना? यंग होना, यानी जवान होना। तो ओल्ड का उल्टा क्या हो जाता है? यंग। या ओल्ड का एंटोनियम क्या हो जाता है? यंग। यानी हम कहें, अगर मैं आपसे कहती हूँ कि मेरे को ओल्ड का अपोजिट बताओ, तो मुझे ओल्ड का अपोजिट आप क्या आंसर करोगे? यंग। ऐसे ड्राई, अभी हाल हमने पढ़ा, ड्राई का अपोजिट क्या होता है? वेट। सिक, सिक यानी बीमार, सिक्का मतलब बीमार होता है, तो सिक्का अपोजिट क्या हो जाएगा? हेल्थी होना, यानी स्वस्थ होना, है ना? ऐसे इंट्रेंस, इंट्रेंस यानी किसी चीज़ अंदर जाना, है ना? हम कहते हैं ना इंट्रेंस, यानी क्या होता है, किसी भी रूम में जाने की जो दरवाज़ा होता है वो क्या कहलाता है? इंट्रेंस। तो इंट्रेंस यानी क्या हो जाए? किसी के अंदर जाना रूम में। और एग्ज़िट यानी क्या होता है? बाहर आना। तो इंट्रेंस का उल्टा क्या हो जाएगा? एग्ज़िट हो जाएगा। ऐसे ही बैलेंस, बैलेंस यानी क्या होता है? एक तरह से हम संतुलन बना रहे हैं, ये रस्सी पे चलते हुए दिख रहा है ना, तो ये क्या कर रहा है? एक तरह से बैलेंस बना रहा है। और अगर ये गिर गया तो क्या हो जाएगा? गिर जाएगा, है ना? तो बैलेंस यानी क्या होना है? संतुलन बनाना। और बैलेंस छूटा कि गिर गया, तो संतुलन का उल्टा क्या हो जाएगा? फॉल। यानी बैलेंस का उल्टा क्या हो जाएगा? फॉल। फॉल यानी गिरना, ठीक है? तो ये हो गए, यानी ये सब क्या है? एक दूसरे के अपोजिट है। इसके बाद हम अपोजिट वर्ड्स और देखें, और हमको दिए हुए हैं यहाँ पर, आपको दिख रहे हैं यहाँ पर एग्जांपल। अपोजिट हमारा डे है, डे का उल्टा क्या हो जाएगा? यानी दिन। डे यानी दिन होता है, दिन का उल्टा क्या होता है? नाइट, यानी रात। तो डे का अपोजिट क्या हो जाएगा? नाइट। इसी तरह से अस्लीप यानी सोना, सोने का उल्टा क्या हो जाएगा? अवेक यानी जागना, है ना? सोना का उल्टा क्या हो जाएगा? जागना। यानी अस्लीप का उल्टा क्या हो जाएगा? अवेक। देन दे रखा है अपन को हेवी, हेवी यानी कोई चीज़ बहुत ज़्यादा भारी होना, तो क्या होता है वो? हेवी। तो हेवी का अपोजिट क्या हो जाएगा? लाइट, यानी हल्का होना, है ना? तो हेवी का एंटोनियम या अपोजिट क्या हो जाएगा? लाइट। इसी तरह से बिग, बिग यानी बड़ा, जैसे एलिफेंट है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है ना? तो एलिफेंट का जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा? स्मॉल होना, यानी क्या हो जाना? छोटा होना। तो बिग का अपोजिट क्या होता है? स्मॉल। देन दे रखा है हमको क्लोज, क्लोज यानी किसी चीज़ का बंद होना। क्लोज का अपोजिट क्या हो जाएगा? ओपन, यानी खुला हुआ होना। तो क्लोज का अपोजिट क्या होता है? ओपन।
इसी तरह से दे रखा है WET वेट। वेट यानी गीला, ये तो हमने पहले भी पढ़ लिया। वेट का ऑपोजिट क्या होता है? ड्राई। ड्राई यानी सूखा। देन दे रखा है बॉय। बॉय का ऑपोजिट गर्ल। फुल, फुल यानी पूरी तरह से भरा हुआ, तो उसको हम क्या कहेंगे? फुल। तो फुल का उल्टा क्या हो जाएगा? एम्प्टी यानी खाली, है ना। इसी तरह से क्लीन। क्लीन यानी साफ, तो क्लीन का ऑपोजिट डर्टी। तो क्लीन का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? डर्टी यानी गंदा। देन दे रखा है इनसाइड। इनसाइड यानी किसी के अंदर होना, तो उसको हम क्या कहेंगे? इनसाइड। और बाहर होना तो क्या हो जाएगा? आउटसाइड। यानी इनसाइड का एंटोनियम क्या हो जाएगा? आउटसाइड। ऐसे यहाँ पे हमको देख रखा है ना, एक ही फिश जो स्मॉल है, एक फिश क्या है? बिग है। तो स्मॉल का अपोजिट क्या दे रखा है? बिग, जो हमको पता है। हैप्पी यानी खुश होना। हैप्पी का अपोजिट क्या है यहाँ पे? सैड। सैड यानी दुखी होना। देन दे रखा है स्लो। कोई इंसान बहुत ज़्यादा स्लो चलता है, तो स्लो का अपोजिट क्या हो जाएगा? फास्ट। तो क्या हो जाएगा स्लो का अपोजिट? फास्ट। इसी तरह से दे रखा है टॉल। टॉल यानी बहुत ज़्यादा लंबा होना, तो क्या हो जाएगा? टॉल। टॉल का अपोजिट क्या हो जाएगा? छोटा यानी क्या? शॉर्ट। इसी तरह से थीन। थीन यानी बहुत ज़्यादा जो दुबला होता है, उसे क्या कहते हैं? थीन कहते हैं। तो थीन का अपोजिट क्या हो जाता है? फैट। फैट यानी मोटा होना, है ना। इसी तरह से यंग। यंग का अपोजिट क्या होता है? ओल्ड। ठीक है, तो ये अपोजिट पढ़े हमने। इसके अलावा अब हमको क्या करा हुआ है यहाँ पे? हमको दिया हुआ है क्या? दिया हुआ है यहाँ पे क्या दिया? क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ड्रॉ अ लाइन टू मेज द अपोजिट। यानी यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ये जितने वर्ड दिए हुए हैं कहीं ना कहीं एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। तो हमको कॉलम क्या करना है? राइट कॉलम को राइट कॉलम से मिलाना है। यानी क्या करना है? जो सही है उसको क्या करना है? उसके अपोजिट से मिला देना है। ठीक है, तो सबसे पहला क्या दे रखा है हमें? तो करें फिर हम स्टार्ट। सबसे पहला क्या दे रखा है हमें? स्वीट। स्वीट यानी क्या होता है? मीठा। तो स्वीट का अपोजिट क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा स्वीट का अपोजिट? अब नहीं। सेड नहीं। सोर या स्वीट यानी मीठा, और सोर यानी क्या होता है? खट्टा। तो स्वीट का क्या हो जाएगा? सोर। देन दे रखा हमको कोल्ड। कोल्ड यानी ठंडा। और कोल्ड का यानी ठंडे का अपोजिट क्या हो जाएगा? गर्म। गर्म यानी हॉट। तो कोल्ड का अपोजिट क्या हो जाएगा? हॉट। देन दे रखा हमको डाउन। डाउन यानी नीचे। डाउन का उल्टा क्या हो जाएगा? अप। अप यानी ऊपर। देन दे रखा हमको नाइट। नाइट यानी रात। तो रात का अपोजिट डे, ये हो गया। देन दे रखा हमको हैप्पी। ये क्या है? हैप्पी। तो हैप्पी का अपोजिट क्या हो जाएगा? सैड। ये रहा। देन दे रखा है गो। गो यानी जाना। तो जाने को क्या बोलेंगे? हम स्टॉप करेंगे अपोजिट, है ना। गो यानी जाओ, और हम कह देंगे नहीं रुको। तो जाने का उल्टा क्या हो जाएगा? रुकना यानी स्टॉप। तो इस तरह से हमने कर लिया। आगे हमको समझ में कि अपोजिट या एंटोनियम हम कैसे करेंगे आगे और देखते हैं। आगे हमको दिया हुआ है यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ इसमें भी हमको वही करना है। हमको मेज कॉलम करके अपोजिट वर्ड को मैच करना है, यानी एंटोनियम को मैच करना है। सबसे पहला दे रखा है, वो दे रखा है क्या लिखा हुआ है? ERLY अर्ली। अर्ली यानी क्या होता है? अर्ली यानी कोई चीज़ जल्दी होना, तो उसे अर्ली कहते हैं। तो अर्ली का उल्टा क्या हो जाएगा? जल्दी का लेट। तो लेट का लिखा हुआ है यहाँ पर, ये रहा। तो हम मैच कर दें इसको, तो अर्ली का अपोजिट क्या हो जाएगा? लेट। देन दे रखा है हमको वेट। ये तो हमने बहुत बार पढ़ लिया। वेट का अपोजिट क्या हो जाएगा? ड्राई। देन दे रखा है हमको क्लीन। क्लीन का अपोजिट डर्टी, अभी हाल हमने पढ़ा था। देन दे रखा है डे। डे का अपोजिट नाइट, ये रहा। देन दे रखा है लास्ट। लास्ट का अपोजिट फर्स्ट। लास्ट यानी सबसे आखिरी वाला, फर्स्ट यानी सबसे पहला। देन क्या दे रखा है हमको? क्विट। क्विट यानी कोई चीज़ शांत होना, वो क्या होता है? क्विट। तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? लाउड यानी बहुत आवाज, है ना। देन दे रखा है हमें क्या दिया हुआ है हमको? कम। कम का सॉरी यंग। यंग का अपोजिट क्या हो जाएगा? ओल्ड। देन दे रखा है कम। कम यानी आना, और गो यानी जाना। तो कम का अपोजिट क्या हो जाएगा? गो। देन दे रखा है हमको फास्ट। तो फास्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा? फास्ट यानी जल्दी जल्दी कोई चीज़ होना। तो फास्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा? फास्ट का अपोजिट होगा स्लो, जबकि हमको यहाँ ऑप्शन दे ही नहीं रखा है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे स्लो।
तो फास्ट का अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा, स्लो, और बिग का अपोजिट क्या हो जाएगा, स्मॉल। तो इस तरह से हमने क्या कर लिया, अपोजिट वर्ड भी कर लिए। अब आगे चले, आगे क्या दिया हुआ है, अब एक काम आपको करना है। मैंने कल के बताया आपको दो मेजर कॉलम सॉल्व, आपको पता भी चल गया कि जो अपोजिट वर्ड होते हैं वो क्या होते हैं, है ना। अब जो हमको ये वाला जो दिया हुआ है टेबल, ये करना है आपको सॉल्व। इसमें वही करना है आपको, जो अपोजिट वर्ड है उनको क्या करना है, मैच करना है, ठीक है। तो अभी हमने जो जितने भी अपोजिट वर्ड पढ़े, आपको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा करके याद करना है इनको, और क्या करना है, अपोजिट वर्ड आपको समझ में आ गए ना आप कैसे होते हैं, तो आप पता कर सकते हो किसी भी चीज़ का अपोजिट, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, आपके आसपास की चीज़ों को देखकर उनके अपोजिट पता करने हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये सॉल्व करना है, और जितने अपोजिट मैंने बताया वो क्या करना है, याद करना है, ओके, ठीक। अब जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम, वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, ओके, थैंक यू।